हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यारो, इस वाली वीडियो में हम इन सभी पार्ट्स को लेके 50 to 55,000 रुपीस में काफी ज्यादा कमाल का फुल सेटअप गेमिंग पीसी बनाएंगे। एंड फुल सेटअप से मेरा मतलब ये है कि भाई, इस वाली फुल सेटअप बिल्ड में हम एक बढ़िया सा 24 इंचेस का मॉनिटर इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे RGB कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो भी एड किया है। एंड यार, केस तो आप लोग देख ही रहे हो, कमाल का केस इंक्लूड किया है। एंड ग्राफिक कार्ड भी ऐसे कोई चालू चिल्लर नहीं भाई, ग्राफिक कार्ड भी यहाँ पे हमने एक बढ़िया सा यार 1650 सुपर ऐड किया है, वो भी OC एडिशन Asus का टफ वाला ग्राफिक कार्ड। तो काफी ज्यादा कमाल का बिल्ड होने वाला है। एंड ये वाला जो गेमिंग पीसी है, ये जाने वाला है UP अलीगढ़। ये पीसी हम बना रहे हैं हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर पीयूष अग्रवाल जी के लिए, जो कि रहने वाले हैं अलीगढ़ से। तो ये पीसी भाई वहीं जाएगा। एंड ये पीसी वो बना रहे हैं अपने 10 साल के बेटे के लिए, यानी सन के लिए। तो वो भाई करने वाले हैं इसके ऊपर गेमिंग। एंड अगर आपको भी बनवाना था कोई ऐसा गेमिंग एडिटिंग या फिर स्ट्रीमिंग पीसी, तो अब आप आपका गेमिंग पीसी डायरेक्ट हमसे बनवा सकते हो एकदम सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके। हमारे इंस्टाग्राम ID आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां पे जाके मैसेज करके वॉइस या वीडियो कॉल पे प्रॉपर डिस्कशन करके आप अपने लिए बना सकते हो एकदम ऐसे नया नवेला ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ गेमिंग पीसी। हमारे यहां से हम ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं। सो गाइस, एक एक करके मैं आप लोगों को सारे पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले प्रोसेसर से स्टार्ट करते हैं। एंड इस वाले बिल्ड में हम यूज करने वाले हैं इंटेल की तरफ से आने वाला उनका 10th जनरेशन का कोर i3 प्रोसेसर, जिसके लिए यानी डिस्प्ले के लिए आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत है। 10100F CPU है एंड इसका सॉकेट है LGA1200। अब इस वाले प्रोसेसर की आप लोग यार सील देख लो, एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। यहाँ पे आप लोगों को टोटल 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड देखने मिल जाते हैं। 3.6 GHz की यहाँ पे आप लोगों को बेस क्लॉक मिलती है एंड 6 MB की कैश देखने मिल जाती है। तो सील पैक प्रोसेसर है। फटाफट से यार इसको हम खोल लेते हैं। एंड खोलने के लिए हम ये सब्जी काटने वाला चाकू यूज़ कर रहे हैं। एक हमको स्पेशल औजार लेना पड़ेगा इस अनबॉक्सिंग वाले एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेसर हमने खोल लिया है। बॉक्स के अंदर आपको एज यूजुअल मिल जाता है स्टॉक कूलर। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है एक आपका जो CPU है वो है कोर i3 10100F। तो फिलहाल हम इस बॉक्स को यानी स्टॉक कूलर को एंड CPU को साइड पे रखेंगे। एंड हम अपने चेक यानी दूसरे पार्ट को चेक करने वाले हैं, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वाले बिल्ड का। एंड दूसरा जो पार्ट है वो है ये, जो कि है हमारा Asus की तरफ से आने वाला उनका टफ गेमिंग GTX 1650 सुपर GDDR6 वाली 4GB की यहाँ पे आप लोगों को VRAM देखने मिल जाती है। इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि भाई, ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है ये OC एडिशन है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि विवेक भाई 1650 सुपर कहाँ से मिल गया, तो देखो 1650 सुपर है भाई, ये वापस से मार्केट में आ गया है। एंड इस वाले कार्ड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है जल्दी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। एंड इसकी जो प्राइस है वो सुन के भाई आप लोग हैरान होने वाले हो। ये वाला कार्ड अभी के टाइम पे आपको मिलेगा अराउंड 16,300 से 16,500 रुपये के आसपास। हमारे यहाँ पे लेते हो तो आपको अगर खाली कार्ड भी चाहिए तो भाई कार्ड भी मिल जाएगा। एंड इस वाले बिल में हम ये वाला ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे। काफी ज्यादा बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, OC एडिशन है। यहाँ पे आप लोगों को यार मस्त बैक प्लेट भी देखने मिल जाता है। एंड आप लोगों को पता है यार कि Asus का टफ सीरीज वाले मतलब कार्ड्स कैसे आते हैं, तो ये भी है सील पैक। इसको हम फटाफट से खोल लेते हैं। टफ सीरीज वाले कार्ड यार काफी ज्यादा अच्छे कार्ड होते हैं, मतलब इनफैक्ट मैंने खुद यूज किया है पर्सनली। एंड भाई साहब, थर्मल्स यार काफी ज्यादा अंडर कंट्रोल रहते हैं इस वाले कार्ड्स के। एंड इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा OP है, मतलब आप पैकेजिंग खोलोगे ना तो आपको प्रीमियमनेस वाली फीलिंग आएगी यार। तो इस तरह का आप लोगों को यहाँ पे कुछ कार्ड देखने मिल जाता है। हालांकि डब्बे के अंदर आपको ज्यादा कुछ ऐसे चीजें देखने नहीं मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को एक पत्री वत्री देखने मिल जाती है, इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम भाई गो ग्रीन वाले इंसान हैं। तो पॉलीथीन में आपको यहाँ पे कार्ड देखने मिल जाता है, इसको भी हम खोल लेते हैं, टेप को निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड, जो कि एकदम पॉलीथीन में पूरा पूरी तरह से रैप होकर आया है यहाँ पे। एंड पीछे की तरफ आपको एक DP पोर्ट देखने मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट देखने मिल जाता है और एक DVI पोर्ट देखने मिल जाता है। हालांकि ये वाला जो कार्ड है भाई 2019 में लॉन्च हुआ था एंड अभी ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं। तो आज इस वाले कार्ड को हम यार लगाएंगे इस वाले बिल्ड में। एंड डेडिकेटेड वीडियो आएगी चैनल पे, नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, वो वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ग्राफिक कार्ड है, फिलहाल इसको भी हम अपने साइड में रख देते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है अब वो है हमारा मदरबोर्ड। एंड मदरबोर्ड के लिए गाइस यहाँ पे हम ये वाला मदरबोर्ड यूज़ करने वाले हैं, जो कि है MSI का उनका प्रो H410M मदरबोर्ड। अब ये वाला जो मदरबोर्ड है एकदम बेसिक से मदरबोर्ड है भाई, इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। ज़्यादातर बजट बिल्ड पे हम यूज़ करते हैं एंड ये भी एक बजट गेमिंग PC होने वाला है। 2 RAM स्लॉट मिल जाता है, NVMe SSD का स्लॉट देखने आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल फटाफट से यार हम इसको खोल लेते हैं। एंड यहाँ पे ये रहा हमारा मदरबोर्ड।
एंड बाकी के जो आपको रिक्वायर्ड साटा केबल्स एंड यहाँ पे आपको आईओ सीट देखने मिल जाती है एंड यहीं कहीं शायद आई गेस हाँ ये रही आपकी NVMe के स्क्रूज भी हैं। तो ये तीनों चीज़ आप मदरबोर्ड से हमेशा निकाल लो एंड मदरबोर्ड को हम फिलहाल बॉक्स से निकाल लेते हैं जो कि बढ़िया से सील पैक्ड है। तो ये वाला मदरबोर्ड हम यूज़ करेंगे एंड फिलहाल हम भाई इसको भी साइड पर रख देते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे। एंड इसके बाद स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिए यहाँ पे हम वही वाले यार 512 GB की NVMe SSD यूज़ करेंगे जो कि Gen 3 वाली NVMe SSD है। अच्छी खासी यहाँ पे आपको रीड एंड राइट स्पीड देखने मिल जाती है। साथ ही साथ में इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि भाई इसके अंदर आप लोगों को पहले से ही हीट सिंक भी मतलब मिल जाती है और बजट वाले NVMe SSD में भाई हीट सिंक आपको कहाँ देखने मिलती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस वाले NVMe SSD की। इसको भी हम फिलहाल साइड में रख देंगे एंड रैम के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला रैम जो कि है ए डेटा का 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाला रैम। अब ये रैम यूज़ करने का रीज़न ये है कि भाई जो हमारा प्रोसेसर है 10100F ये इतनी ही फ्रीक्वेंसी वाला रैम सपोर्ट करता है एंड 10th जनरेशन में i5 भी सेम फ्रीक्वेंसी वाली रैम ही सपोर्ट करता है। तो अगर आप i3 या फिर i5 ले रहे हैं तो भाई ये वाली रैम के साथ ही जाओ, मतलब फालतू में एक्स्ट्रा पैसे लगा के कोई मतलब नहीं है। तो इस वाले रैम को भी हम निकालते हैं। 8 GB के सिंगल स्टिक यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहो तो भाई 16 GB लगा सकते हो बट हम गेमिंग के लिए बना रहे हैं तो यार गेमिंग के लिए ये वाली रैम भाई मोर देन इनफ रहने वाली है। अब इसके बाद पावर सप्लाई के लिए गाइस यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं यार ये वाला PSU जो कि काफ़ी टाइम के बाद यूज़ कर रहे हैं। ये है एनटेक का उनका VP450W का पावर सप्लाई 80+ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के साथ आता है एंड यहाँ पे आपको फ्लैट केबल्स देखने मिल जाते हैं। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है यार पावर सप्लाई को मतलब खोलना थोड़ा सा मतलब पॉलीथीन ये लोग है ना कुछ ज़्यादा ही भाई लगा के दे देते हैं तो इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे बाकी के पार्ट्स के कंपैरिजन में। तो इसको भी मैं आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ। हालांकि PSU के अंदर यार क्या ही देखने वाली चीज़ें आपको मिलती हैं बट फिर भी ओके यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर केबल, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्क्रूज एंड जिप टाइज एंड ये एट द एंड ये रहा हमारा पावर सप्लाई जो कि ऐसे आप लोगों को बबल रैप में लिपटा हुआ देखने मिल जाएगा एंड टेप वेप निकाल के इसको भी खोलना पड़ता है। ओके सो ये रहा हमारा PSU, इस तरह का आप लोगों को PSU देखने मिल जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये एक फुल सेटअप बिल्ड होने वाला है तो यहाँ पे हम एक RGB कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो भी यूज़ करने वाले हैं जो कि है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से उनका KM540। यहाँ पे ये इसके अंदर आप लोगों को यार बैकलिट लाइटिंग वाइटिंग भी देखने मिल जाती है एंड यहाँ पे एंटी घोस्टिंग कीज़ के साथ आता है। तो भाई हम फिलहाल इसको भी अनबॉक्स करके आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने मिलता है। एंड अगर आप बजट में कोई RGB कीबोर्ड एंड माउस वाला कॉम्बो ढूंढ रहे थे ना तो इसके साथ डेफिनेटली आप जा सकते हो। अब यहाँ पे आप लोगों को एज यूजुअल थोड़े बहुत यार ये पेपर वेपर देखने मिल जाएंगे एंड यहाँ पे ये रहा आपका कीबोर्ड, इस तरह का आप लोगों को कुछ कीबोर्ड देखने मिलता है यहाँ पे। साइड में देख रहे हो यहाँ पे मतलब आपको हैंड रेस्ट यानी हैंड का सपोर्ट भी देखने मिल जाएगा यार जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। मतलब एक बजट कीबोर्ड में कहाँ ये चीज़ें आप लोगों को यार मिलती है। एंड उसके बाद ये रहा आपका माउस जो कि मैं आपको माउस भी निकाल के दिखा देता हूँ। ये कीबोर्ड है, ये रहा उसका माउस एंड माउस भी यार मतलब बढ़िया है यार, ऐसे गेमर लुक वाला माउस है आपको देखने मिलता है जो कि आप लोग देख लो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। एंड कीबोर्ड की जो मतलब बिल्ड क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड यहाँ पे आप लोगों को पीछे ये सपोर्ट्स भी देखने मिल जाते हैं अपलिफ्ट वाले, तो इसको आप आराम से ऐसे रख के यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोगों को ब्रीडेड केबल देखने मिल जाते हैं मतलब दोनों ही कीबोर्ड एंड माउस में, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब गेमर वाला लुक टोटल आएगा आप लोगों को। RGB लाइट वाइट का मतलब फुल मज़ा उठा सकते हो एंड यार जो बिल्ड क्वालिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एल्यूमिनियम है बट एल्यूमिनियम नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है। तो ओवरऑल यार बजट में आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो, 1200-1200 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। एंड इसके बाद बचता है गाइस हमारा कैबिनेट। कैबिनेट के लिए यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं i311MT एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला एक बढ़िया सा कैबिनेट जो कि बजट में आता है। इसके अंदर आप लोगों को टोटल 4 फैन देखने मिल जाते हैं, प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, मेश डिज़ाइन देखने मिल जाता है। फ्रंट में आप लोगों को 3 पंखे मिलते हैं 120mm के एंड रियर में एक मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप एक कोई बजट बिल बना रहे थे जिसमें आपको एयर फ्लो की ज़रूरत है एंड लुक्स भी यार कमाल के रहे तो ये वाला केस आप डेफिनेटली ले सकते हो। 3000 से लेके 3500 रुपये में ये आप लोगों को मिल जाएगा एंड बाकी बेसिक सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, अब उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा सारे ही पार्ट्स की। खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो भाई डेफिनेटली वहां से जाके आप खरीद सकते हो इनमें से अगर आपको कोई भी पार्ट परचेस करना हो तो। लास्ट में यहां पे हम यूज़ कर रहे हैं एक मॉनिटर 24 इंचेस का MSI का जो कि है Pro MP242 सीरीज़ वाला मॉनिटर। एंड MSI के प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं भाई इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है,
24 इंचेस का IPS पैनल है, काफी ज्यादा अच्छे विविड कलर्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं, डीप ब्लैक्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं। तो गेमिंग के साथ साथ अगर आप इसके ऊपर मूवीज वॉच करना चाहते थे, वीडियो एडिटिंग करना चाहते थे, तो ये काम भी आप इस वाले मॉनिटर के ऊपर रह के कर सकते हो। प्राइस अराउंड ये 10,000 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा। इसकी भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। तो इसी के साथ ये वाला जो बिल्ड है यार, ये फुल सेटअप बिल्ड है, ये कंप्लीट हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार इस वाले बिल्ड को फटाफट से हम बना लेते। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपने मदरबोर्ड से। एंड यार डब्बे के ऊपर आप आराम से मदरबोर्ड को रख लो। उसके बाद यार आपको करना क्या है, लीवर को खोल देना है। एंड ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसको आप चाहो तो भाई निकाल सकते हो, हालांकि मैं निकालना प्रीफर करता हूं। एंड यहां पे देख लेना, एक आपको एरो की देखने मिल जाएगी जो कि है इस तरफ। तो एरो की से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो आपको किस तरफ रखना है। एंड उसके बाद आपको प्रोसेसर को निकाल लेना है डब्बे के अंदर से, जो कि है हमारा 10100F क्वाड कोर CPU। अब इस वाले प्रोसेसर को लगाना एकदम सिंपल है। आपको यहाँ पे एरो की दिख रहा है, ये एरो की। एंड इसके ऊपर जो आपको एरो की दिखता है, वो एरो के सिंपली आपको उसी डायरेक्शन में आपका जो प्रोसेसर है वो रख देना है। और ये एकदम आसानी से रख दो, ऑटोमेटिकली ये बैठ जाएगा। एंड रखने के बाद आपको ये लीवर को कर देना है बंद, थोड़ा सा हल्का सा आपको लगाना है जोर, एंड आपका जो लीवर है वो हो जाएगा बंद। आपका जो प्रोसेसर है वो लग चुका है। एकदम सिंपल सा काम था जो आपका आसानी से कर सकते हो। उसके बाद हम लगाएंगे स्टॉक कूलर, जो कि हमको बॉक्स में फ्री में देखने मिल जाता है। पीछे से आपको ये जो इसका कार्डबोर्ड है उसको निकाल लेना है। एंड उसके बाद आपका जो स्टॉक कूलर है वो निकल जाएगा। कुछ इस तरह का आपको स्टॉक कूलर देखने मिल जाएगा। सबसे पहले आप वायर्स को यार निकाल लो इनके अंदर से, नहीं तो आप लगा दोगे उसके बाद वायर्स है वो भाई टकराने वाले, मतलब फंसने वाले। तो ये निकाल लेना, काफ़ी ज़्यादा सेफ काम होता है। अटक गया है ये वायर। ओके, तो हमने वायर्स को निकाल लिया है। एंड उसके बाद आपको ये जो छोटे छोटे चार होल्स दिख रहे हैं, इन होल्स में इनको आपको सिंपली रख देना है। एंड उसके बाद आपको अपोजिट साइड वाला, यानी दो अपोजिट साइड वालों को साथ में दबाना है, ताकि दोनों एक ही साथ में बैठ जाएं, जो कि मैं आपको करके अभी दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा आप चाहो तो अपने बोर्ड को उठा सकते हो। देखो मैंने दबाया तो ये आवाज़ आई कट करके, एंड ये आवाज़ आई, दैट मीन्स कि दोनों साइड का लग चुका है। एंड उसके बाद सेम चीज़ आपको इन दोनों साइड के साथ भी करनी है। देखो बस एकदम सिंपल था, आराम से अपने स्टॉक कूलर को लगा लिया है। अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका जो स्टॉक कूलर बराबर लगा है कि नहीं प्रॉपरली, पीछे उठाओ ये देखो, देखो चारों के चारों बाहर आ जाएंगे, एक ही सेम पोर्शन में बाहर आ रहे होंगे। दैट मीन्स कि आपने जो आपका स्टॉक कूलर है उसको एकदम प्रॉपरली फिट कर लिया है। एंड उसके बाद आपको ये फैन, यानी कि इस वाले वायर को आपको लगा देना है फैन हेडर में, जो कि हमने लगा दिया है इस वाले फैन हेडर में। ओके, अब इसके बाद जो अगली बारी आती है रैम की, तो रैम लगाना भी एकदम आसान है यार। यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा होल गड्ढा देखने मिल जाता है, एंड रैम स्टिक यानी कि रैम स्लॉट में भी आपको गड्ढे देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले वाले स्लॉट में लगा देंगे, एंड वो गड्ढे को एंड इस वाले गड्ढे को आपको सिंपली मैच कर लेना है दोनों की साइड। एंड उसके बाद आपको दोनों तरफ से दबा देना है, थोड़ा सा प्रेशर दोगे तो अंदर घुस जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो रैम है वो लग चुका है। एंड अगली बारी आ जाती है हमारी NVMe SSD की। तो ये है NVMe SSD, ये रही उसकी हीट सिंक। फिलहाल हम हीट सिंक नहीं यूज़ करेंगे, बाद में लगाएंगे। एंड ये NVMe SSD है, तो लगाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। बट उसके पहले आप लोगों को यहाँ पे एक स्क्रू लगा देना है, जो कि यार NVMe के साथ आता है। ये भी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, आपको डब्बे के अंदर देखने मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पे टाइट कर लेना है, थर्ड नंबर में लगती है मेरे हिसाब से हर बार, क्योंकि ये NVMe SSD की साइज़ ही इतनी आती है। तो ये स्क्रू लग चुका है। एंड उसके बाद NVMe SSD सिंपली यहाँ पे आपको रख के थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये NVMe SSD लग चुकी है। एंड आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रूज़ को टाइट कर देने हैं। अब ये वाली NVMe SSD के स्क्रूज़ यार काफ़ी ज़्यादा छोटे आते हैं, तो भाई इसके लिए आपको एक ऐसे छुटकू सा, मतलब आने वाला एक वो लेना पड़ेगा टेस्ट, या फिर ऐसा ये लेना पड़ेगा जिसकी मदद से आप यानी इन स्क्रूज़ को टाइट कर सको। हालांकि हमारे पास बड़ा वाला था पहले, तो इससे तो भाई ये लगती नहीं थी। एंड ये वाला जो पोर्शन है भाई इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। बट उसके पहले आप लोग ये NVMe SSD के ऊपर जो हीट सिंक आती है भाई फ्री में जो हमको मिलती है उसको लगा दो। तो यहाँ पे हम हीट सिंक को भी ग्लू निकाल के सिंक लगा देंगे। एंड ओके, तो हमारा जो हीट सिंक है वो भी लग चुका है। तो एकदम सिंपल सा पार्ट था। आई होप यार इतना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप खुद से भी PC बनाना चाहो तो यार इस तरह से बना सकते हो। अब हमको करना क्या है, इस वाले पार्ट को हमको अपने कैबिनेट के अंदर डालना है। एंड वो वाला पोर्शन भी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे, तो सबसे पहले हम अपने कैबिनेट को यानी कि i311MT को निकाल लेते हैं उसके बॉक्स के बाहर। एंड उसके बाद यार हम यहाँ के जो साइड के दोनों पैनल है, पहले तो ग्लास पैनल एंड उसके बगल में पीछे वाला पैनल हम खोल लेते हैं। एंड ग्लास को यार कहीं सेफ जगह रखो ताकि टूट फूट ना जाए। अपने जो केस का डब्बा है उसके अंदर भी आप रख सकते हो। इसके बाद हम अब लगा लेते हैं अपने IO शील्ड को, जो कि आप लोगों को मदरबोर्ड में ही मिल जाती है। एंड IO शील्ड आराम से लगा लो। उसके बाद हमने जो यार मदरबोर्ड में जो सब कुछ हमने इंस्टॉल किया था, अब हम बारी आ गई यार मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट के अंदर लगा लें। एंड फटाफट से यार मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर लगा लेते हैं IO शील्ड से एकदम टच करके। एंड बाकी के जो भी स्क्रूज़ है उसको हम फटाफट से टाइट कर देंगे। एंड उसके बाद
यहाँ पे हम आराम से यार अपना PSU लगा लेते हैं पीछे की तरफ। PSU श्राउड में 4 स्क्रूज आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाते हैं, जिप टाइज भी देखने मिल जाती है, तो उनका हम उपयोग यार आगे करने वाले हैं। स्क्रूज फिलहाल आप टाइट कर लो। अब PSU लगाने के बाद यहाँ पे हम यार जो भी केबल्स है उसको हम अपने मदरबोर्ड के अंदर लगा देंगे ताकि हमारा जो PC है वो आराम से ऑन हो सके एंड यानी हमारे PC को यानी कि बाकी सारे कंपोनेंट्स को आराम से पावर सप्लाई हो सके, यार पावर पहुंच पाए उन तक। अब इसके बाद यार जो भी रिक्वायर्ड केबल्स हैं हम आराम से कनेक्ट कर दें अपने मदरबोर्ड के अंदर एंड ये करने के बाद हम अपना ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं जो कि हमारा GTX 1650 सुपर। ग्राफिक कार्ड लगाना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है यार, PCI स्लॉट में आपको सीधा मतलब थोड़ा सा टच करके थोड़ा सा आप प्रेस करोगे यानी धक्का दोगे तो यार कट करके आवाज आएगी एंड जो आपका ग्राफिक कार्ड है वो बैठ जाएगा। उसके बाद एक स्क्रू मार दो पीछे की तरफ एंड इसके अंदर जो केबल है वो ग्राफिक कार्ड को पावर देने के लिए उसको कनेक्ट कर दो। तो जिप टाइज का यूज़ करके आप पीछे अच्छा सा केबल मैनेजमेंट कर लो एंड फालतू के जो भी केबल्स है उसको भाई PSU श्राउड के बाजू में थोड़ी सी जगह स्पेस बची रहती है वहाँ पे आप हाइड कर सकते हो ताकि आपका जो पीछे का भी लुक है PC का वो काफ़ी क्लीन सा निकल के आए एंड आपका जो पीछे का पैनल है वो आराम से बंद हो जाए। तो यहाँ पे फाइनली हमने यार पीछे अच्छा सा केबल मैनेजमेंट कर लिया है। अब पीछे का पैनल हम बैक बंद कर देते हैं एंड बंद करने के बाद यहाँ पे यार फ्रंट में आप देख लो काफ़ी अच्छा सा क्लीन लुक निकल के आया है इस वाले PC का, एक ब्लैक थीम वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा PC लग रहा है। एंड यहाँ पे अब फटाफट से हम पावर केबल लगा के अपने PC को टर्न ऑन कर लेते हैं एंड टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे यार देख लो आप लोग PC काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है एंड यहाँ पे इस वाले केस में जो आपको पंखे मिलते हैं फ्रंट में तीन इनके अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिसको आप LED बटन से चेंज भी कर सकते हो एंड पीछे आपको एक नन RGB फैन देखने मिलता है जो कि यार एग्जॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड बजट के हिसाब से यार 4 पंखे इंक्लूड कर दिए इन्होंने वही बड़ी बात। अब आई नो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग यार इस वाले ग्राफिक कार्ड के यानी कि 1650 सुपर वाले ग्राफिक कार्ड का बेंचमार्क देखना चाहते हो तो देखो यार वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है एंड इस वाले कार्ड के साथ एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है कि भाई जो हमारा 1650 सुपर है 2019 वाला ग्राफिक कार्ड यानी कि काफ़ी टाइम पहले वाला ग्राफिक कार्ड अब यानी 2023 में नए गेम्स में कैसा परफॉर्म करता है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही लेके आने वाला हूँ। तो अगर उस वाली वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे को ऑल पे रख देना एंड ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। PC VC ऑर्डर करना हो तो इंस्टाग्राम ID पे जाके मैसेज कर लेना, ID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में साथ ही साथ में फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।